दोस्तों हमको दिखाएंगे कि सीढ़ी में वाइंडर क्या होता है। अब आप सोचेंगे भाई सीढ़ी तो बनाते हैं नॉर्मली, आप जो सीढ़ी बनाते हैं उसमें स्टेप हिसाब से देते हैं, आपका राइजर और ट्रेड हो गया स्टेप, जो कि आपका रेक्टेंगुलर शेप में, अगर इसको बोला सेक्टेंगुलर शेप में। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइंडर को लेकर के। आखिर वाइंडर क्या है? अगर आपके पास जगह कम है, स्पेस कम है, उस समय जो है लोग कम ही एरिया में सीढ़ी बनाना चाहता है, तो उस समय क्या करता है कि मिड लैंडिंग के पास कुछ इस तरीके से आधा, मतलब कि देखिए यहाँ से स्टेप किया हुआ है, यहाँ जो है मिड लैंडिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतना दिया गया है एक स्टेप, ठीक है। और इसके बाद जो ये स्टेप बनाया गया है, मतलब कि ट्रायंगल शेप में, ये आपका हो गया वाइंडर। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही जो है, और ज़्यादातर वाइंडर जो है मिड लैंडिंग में ही पॉसिबल हो पाता है, कंटिन्यू अगर स्टेप हो तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वाइंडर आपका कहाँ पॉसिबल है? मिड लैंडिंग में। अगर आपका डबल मिड लैंडिंग है तो फिर एक यहाँ हो गया, फिर जब आगे चलेंगे तो आगे जाएगा, फिर इन केस अगर मान लिया जाए कि ये लैंडिंग जो है इधर जा करके फिर अगर इधर से होकर जाता तो फिर यहाँ से यहाँ त्रिकोना हो गया, फिर एक त्रिकोना यहाँ से यहाँ तक दे देते हैं, ठीक है, एक वाइंडर आपका यहाँ हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जब भी कभी आप सीढ़ी का काम करवा रहे हैं तो वाइंडर देना है। लेकिन क्या है कि जहाँ पे फायर का जो फायर एग्जिस्टिंग सीढ़ी होता है उस जगह पे वाइंडर का स्टेप जो है नहीं देना चाहिए, फायर नॉर्म्स के ये खिलाफ है। लेकिन कम जगह होने के वजह से जो है वाइंडर लोग यूज़ करते हैं, और लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि भाई वाइंडर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये पूरी तरीके से अनसेफ है, आपको उतरने चढ़ने में बहुत सारी परेशानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही चीज़ है सीढ़ी को लेकर के। और सीढ़ी को लेकर के और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी कभी आप सीढ़ी बनाएंगे, इसका जो फ्लाइट देंगे, फ्लाइट का मिनिमम थिकनेस 4 इंची रहेगा, मिनिमम, इससे कम थिकनेस का नहीं देना। आपको एक तरह से एक लाइन से दिख रहा होगा ये स्लैब। और राइजर जो देना है आपका 6 इंची का, ठीक है, और आपका ट्रेड जो देना है ये आपका 10 इंची का। ये 3 चीज़ आपको ध्यान देना है, नहीं तो बहुत लोग क्या करता है इसके जगह पे फ्लाइट का थिकनेस 1 इंची 2 इंची 3 इंची रखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है, मिनिमम 4 इंची रखना है। 4 इंची के बाद तब उसके ऊपर आपको जो है राइजर और ट्रेड बनाना है। और वाइंडर भी जो बनाएंगे तो वाइंडर में देखिए क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ क्या हुआ है, वाइंडर का जो है नीचे का जो स्लैब है, जैसे मान लीजिए ये तो आपका जो है 6 इंची का हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 6 इंची का हो गया, 6 इंची का आपका ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें, 6 इंची का ये हो गया, इसके ऊपर का जो वाइंडर जो बना है पूरा ऐसे करके ट्रायंगल शेप में, ये +6 इंची +6 इंची इसमें और चढ़ गया, ठीक है, तो कितना हो गया 12 इंची का आपका ये मोटाई हो गया पूरा ये, ठीक है। और ऐसे भी ये उतना भी सेफ नहीं है, आप हड़बड़ा के उतरेंगे तो आपको जो जैसे अगर मान लीजिए हड़बड़ा के आप चढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम होगा, यहाँ चढ़ेंगे फिर इसके ऊपर चढ़ेंगे तो इसमें जो आपको जो है दिक्कतें होंगी, और उधर से भी जब उतरेंगे हड़बड़ा करके तो थोड़ा सा इसमें जो है अनसेफ लगता है, अचानक से गिरने का डर, क्योंकि यहाँ पे जो होना चाहिए कि मिड लैंडिंग पूरा प्लेन होना चाहिए। तो यही सब चीज़ है, ध्यान दीजिए घर बना रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे थैंक्स का टैब है उस पर आप क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।